हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू किचन। मंजू किचन में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं फ्रेंड्स। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए आज मैं बना रही हूँ आम पन्ना, जो कि हमको बहुत ठंडक और ताजगी देता है। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए है मैंने 4 कच्चे आम और ये आधा किलो आम है। सबसे पहले ये ऊपर की कैप निकाल देंगे सारे आमों की, और इनको कुकर में चढ़ा देंगे 1 गिलास पानी डालकर, और 1 सीटी दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे आम उबाल लिए हैं 1 सीटी देकर, और इनको ठंडा भी कर लिया है, और इसका पानी भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम आम पन्ना बनाने में यूज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये आम छील लेंगे। हमको इसका गुदा अलग करना है, छिलके अलग करने हैं। सारे आम ऐसे छील लेंगे हम। फ्रेंड्स, हमने इनका बीच का गुदा अलग कर दिया है, और ये छिलके में भी बहुत सारा गुदा है, इसको भी ऐसे चम्मच से निकाल देंगे। मैंने छिलकों में से सारा पल्प निकाल लिया है। अब आप इसको हाथ से मैश करेंगे और सारी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया है, और ये गुठलियाँ भी अलग निकाल दी है, इन गुठलियों को फेंक देंगे। फ्रेंड्स, आम पन्ना बनाने के लिए हमको ये सारा सामान चाहिए। तो ये जो आम उबाले थे उसका पानी है, 200 ग्राम चीनी ली हमने, और ये 1 कटोरी पुदीने के पत्ते लिए हैं। इससे बहुत अच्छा बन जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी हमारे आम पन्ना में। आइस क्यूब्स लिए हैं, 1 चम्मच काला नमक लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। ये जीरा भूनकर मैंने पीस लिया है, और ये 1/4 चम्मच काली मिर्च भी लिए मैंने। सबसे पहले ये आम का पल्प इस मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें ये पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा पत्ते डाल सकते हैं। अब इसमें चीनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें ये काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा, आइस क्यूब्स और ये काली मिर्च, ये सब मिक्सी जार में डाल देंगे। इसमें ये थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जो ये आम का ही बचा हुआ है, और बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आधा आधा करके पीसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह पीसना है, जब तक ये पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से क्रश ना हो जाए। हम अपना ये आम पन्ना इस जार में डाल देंगे, और ये अभी बहुत गाढ़ा है हमारा आम पन्ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आम पन्ना अभी रेडी है, लेकिन ये अभी बहुत गाढ़ा है। अगर आप इसको वैसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो इसको ढक के एज इट इज़ फ्रिज में रख दीजिए, और पानी ना मिलाएं। फ्रेंड्स, इसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको एज इट इज़ फ्रिज में रख सकते हैं, और ये 2-3 दिन तक चल सकता है। और अगर सर्व करना चाहते हैं, तो मैंने ये 4 ग्लास लिए हैं, 4 में मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा आम पन्ना डालेंगे, 1/2 ग्लास से भी कम डालेंगे, और बाकी हम पानी मिलाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने 1/2 ग्लास से थोड़ा कम सारे ग्लासों में आम पन्ना डाल दिया है। अब बाकी मैं ये चिल्ड वाटर मिलाऊंगी इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सभी ग्लासेस में ऐसे चम्मच से डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी आम पन्ना, और मैंने इसको ऊपर से ही पुदीने के पत्तों से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाकर देखिए, और फिर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका आम पन्ना कैसे बना है, और आपके मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइए। और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।